गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यस बेटा आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 12.1 तो देखिए फर्स्ट सम क्या है यह है बेटा डाटा हैंडलिंग के बारे में ठीक तो है देखिए फर्स्ट सम है द कैंट कंटेन नेस्ट ऑफ अ मेनी बर्ड्स ठीक है एक बगीचा है उसके अंदर क्या है नेस्ट है घोंसले हैं काफी ज्यादा बर्ड्स के ऑब्जर्व पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन एज द फॉलो आपको नीचे कुछ एक आपको ग्राफ दिया बताया गया है कि कौन से बर्ड के कितने नेस्ट हैं घोंसले हैं आपको ये बताना है और कुछ क्वेश्चन के आपको क्या देने हैं आंसर देने हैं जैसे हमारे पास ये दिए हुए हैं बेटा इधर बर्ड्स के नेम दिए हुए और इधर क्या दिए हुए हैं नंबर ऑफ नेस्ट दी हुई है और सेकेंड यहाँ पे है कि एक घोंसला है जो एक यहाँ पे की दिखा रही है उसके अंदर मतलब उसका मतलब है कि उसके अंदर कितने घोंसले हैं चार तो मान लीजिए जैसे ये मेरी फर्स्ट रो है तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे वन टू थ्री फोर फोर हमारे पास ये शो किए गए हैं एक की इक्वल टू टोटल कितने हैं फोर नेस्ट है उसके अंदर टोटल ये बन जाएंगे सिक्सटीन घोसले ओके अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए विच बर्ड हैड अ मैक्सिमम नेस्ट आपको ये बताना है कि कौन सा बर्ड है जिसके जो नेस्ट है जो घोंसले हैं वो मैक्सिमम है मतलब सबसे ज्यादा है तो देखिए सबसे ज्यादा किसके हैं इन सबके अंदर किसके हैं पैरिट तो इस पे क्या आ जाएगा पैरेट तो यहाँ पे हम नेम राइट कर देंगे पी ए डबल आर ओ टी पैरेट कितने घोंसले हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने घोंसले हैं टोटल सिक्स फोर ट्वेंटी फोर तो मैक्सिमम जो घोंसले हैं वो किसके हैं पैरेट के नंबर टू हाउ मेनी मोर नेस्ट ऑफ अ अ मैना आर देयर आपको ये बताने कि जो स्पैरो है जो मैना है उसके कितने घोंसले क्या है कम है स्पैरो से स्पैरो के कितने घोंसले ज्यादा है मैना से आपको ये बताना है तो देखिए बेटा ये है हमारी स्पैरो क्या है मैना तो देखिए कितने घोंसले वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ये शो कर रहे हैं हमें और एक पिक्चर शो करती है हमें चार घोंसलों के बारे में तो ये टोटल कितने हो गए ट्वेंटी ओके सेम नीचे देखिए मैना के टोटल कितने हैं ये फोर और एक पिक्चर शो करती है फोर घोंसले तो टोटल कितने हैं सिक्सटीन अब ज्यादा किसकी हैं स्पैरो की स्पैरो के कितने ज्यादा हैं देखिए सिक्सटीन हमारे पास है ट्वेंसी ट्वेंटी में से सिक्सटीन कट कीजिए तो कितना आ जाएगा फोर तो मैना के जो स्पैरो के घोंसले हैं वो कितने ज्यादा हैं चार घोंसले ज्यादा हैं मैना से ओके नंबर सी है बेटा विच बर्ड हैड मेड द लीस्ट नेस्ट लीस्ट होता है सबसे कम तो आपको ये बताना है कि कौन सा बर्ड है जिसने जो लीस्ट नेस्ट बनाए मतलब सबसे कम क्या बनाए हैं घोंसले बनाए हैं तो देखिए सबसे कम किसके हैं सबसे कम है पीजन तो इसमें क्या आएगा पीजन ओके okay. नेक्स्ट है बेटा नंबर डी वाला हाउ मेनी टोटल नेस्ट ऑफ बर्ड्स आर देयर टोटल नंबर ऑफ जो नेस्ट है वो कितने, है? कितने हैं कितने घोंसले हैं टोटल तो पहले हम इनको काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 17, एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितनी है ट्वेंटी सेवन पिक्चर्स हैं मल्टीप्लाई एक पिक्चर शो करती है हमें फ़ोर घोंसलों के बारे में तो ये कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई कीजिए फोर सेवन जा ट्वेंटी एट टू कैरी फोर टू जा एट एंड टू टेन टोटल कितने नेस्ट हैं वन हंड्रेड एट टोटल क्या हैं नेस्ट हैं नंबर ई सम है बेटा हाउ मेनी नेस्ट ऑफ बुलबुल आर देयर बुलबुल के टोटल कितने नेस्ट है तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव फाइव है और ए पिक्चर शो करती है हमें चार घोंसलों के बारे में तो टोटल कितने नेस्ट हो गए ट्वेंटी तो बुलबुल -बुल के टोटल नेस्ट कितने हैं ट्वेंटी ओके नंबर सेकंड सम देखिए बेटा द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ अ डाटा ऑफ सेल ऑफ पेप्सी कैन इन द शॉप एक शॉप के अंदर पेप्सी की पेप्सी कैन की क्या है आपको सेल बताई गई है कि कौन से मंथ में कितनी सेल हुई है तो एक जो पेप्सी कैन है वो हमें बताता है कि कितने पेप्सी कैन बिक गए हैं एक पिक्चर शो करती है हमें हंड्रेड ऑफ पेप्सी कैन के बारे में ठीक है मतलब एक पिक्चर ये सो है जो जनवरी में कितने वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कैन दिखाए हुए हैं मतलब जनवरी के अंदर टोटल फाइव मल्टीप्लाई हंड्रेड तो कितने कैन बिके हैं फाइव हंड्रेड कैन की क्या हुई है सेल हुई है नीचे वैसे ही फरवरी में बताया गया तो ये नंबर हमें जून तक बताए हुए हैं ठीक है मंथ के अंदर कितने उन्होंने क्या किए सेल किए हैं अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो हमें नेक्स्ट वन इज बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कैन आर सोल्ड इन ईच मंथ हर मंथ के अंदर कितने जो कैन है वो क्या किए उन्होंने सेल किए हैं बेचे हैं तो हमने अभी जनवरी के अंदर किए थे तो जनवरी के अंदर टोटल कितने किए थे उन्होंने फाइव सेम वैसे ही हम नेक्स्ट मंथ का निकालेंगे देखिए कैसे देखिए बेटा फेरवरी के अंदर टोटल देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स मल्टीप्लाई हंड्रेड कितने हो जाएंगे सिक्स हंड्रेड कैन बेचे उन्होंने नेक्स्ट भी कितने हो जाएंगे सिक्स हंड्रेड नेक्स्ट कितने कैन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट तो कितने कैन हो गए एट हंड्रेड अप्रैल के अंदर मई के अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टोटल कितने कैन हुए इलेवन हंड्रेड एंड लास्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व टोटल लास्ट मंथ में कितने हैं वन थाउजेंड टू हंड्रेड तो अब हम पीछे राइट कर देंगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हाउ मेनी मोर कैन्स आर सोल्ड इन मई देन मार्च तो ये बताना है कि मई के अंदर कितने जो कैन्स हैं वो ज्यादा बेचे गए हैं मार्च से तो मार्च में कितने कैन बेचे थे उन्होंने सिक्स हंड्रेड एंड मई के अंदर कितने हैं वन थाउजेंड वन हंड्रेड तो देखिए वन थाउजेंड मई वाले में से मार्च वाले कट कर दीजिए तो हमारे जितने मैक्सिमम आएंगे वो पता लग जाएगा तो यहां कितने थे ग्यारह सो तो ग्यारह सो में से हमने माइनस कर दिया मार्च के कितने हैं छ सो तो कितना आंसर आ गया पांच सौ ओके कितने कैन एक्स्ट्रा बेचे उन्होंने फाइव हंड्रेड नेक्स्ट है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैन सोल्ड इन अ सिक्स मंथ आपको ये बताने कि टोटल उन्होंने कितने कैन क्या किए हैं बेचे हैं देखिए कितने बेचे हैं तो देखिए बेटा टोटल कैन कितने हैं तो सभी को प्लस कर देंगे तो सभी को प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये बन जाएगा बेटा टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड प्लस एट प्लस ये तो ये टोटल हो जाएंगे तो यस बेटा टोटल जो नंबर ऑफ कैंस थे सिक्स मंथ के अंदर वो कितने थे फोर थाउजेंड एट ओके नेक्स्ट देखिए इन विच टू मंथ्स वर द इक्वल नंबर ऑफ कैन सोल्ड कौन से दो मंथ हैं जिनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ जो कैन है वो बेचे गए तो देखिए मैक्सिमम जो इक्वल नंबर ऑफ कैन कौन से दो मंथ के अंदर फेब्ररी एंड मार्च के अंदर बेचे गए तो यहां पे दो मंथ का नेम लिखिए एक हो गया फेब्ररी एंड सेकंड कौन सा है मार्च ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा इन विच मंथ वर द मैक्सिमम कैन सोल्ड कौन सा मंथ है जिसके अंदर मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा जो कैन है पेप्सी के कैन है वो बेची गई तो कौन से मंथ के अंदर सबसे ज्यादा बेचे गए सबसे ज्यादा ये है कितने वन थाउजेंड टू हंड्रेड कौन से मंथ के अंदर है जून के अंदर तो यहाँ पे क्या आएगा जून फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कैन सोल्ड इन जून एंड जनवरी को ये डिफरेंस बताना है कि जून एंड जनवरी के अंदर जो कैन बेचे गए थे उनके अंदर कितना डिफरेंस है तो जून के अंदर टोटल कितने बेचे थे बारह सो एंड जनवरी के अंदर कितने बेचे गए थे 500 तो डिफरेंस निकालिए 1200 माइनस 500 तो कितना आएगा 700 तो टोटल डिफरेंस कितना है 700 नेक्स्ट है इफ द शॉपकीपर अर्न अ फाइव रुपीज पर कैन अगर उस शॉपकीपर को पांच रुपए पर कैन के मिलते हैं देन ही अर्न रूपीज इन मंथ ऑफ अप्रैल तो आपको यह है कि उसने अप्रैल मंथ के अंदर कितने जो रुपीज उनको मिलती हैं कितने रुपए वो कमाते हैं तो देखिए एक कैन के कितने हैं पांच रुपए टोटल कैन कितने हमें हमारे पास एट हंड्रेड मल्टीप्लाई फाइव तो कितना हो जाएगा फाइव फोर्जा फोर्टी टोटल रुपीज कितने मिलते हैं उसको फोर थाउजेंड रुपीज वो टोटल कमाते हैं अप्रैल मंथ के अंदर ओके क्योंकि पर कैन का जो रेट था वो कितना है फाइव फाइव रुपीज और टोटल कैन कितने हमारे पास एट हंड्रेड तो टोटल कितना हो जाएगा फोर थाउजेंड नंबर एच है बेटा ही अर्न उसको कितने मिलते हैं इन अ सिक्स मंथ आपको ये बताने की उसने टोटल कितने पैसे कमाए हैं छह महीनों के अंदर देखिए टोटल कैन कितने हैं उसके फोर थाउजेंड एट हंड्रेड पर कैन एक कैन के कितने रुपीज है फाइव तो टोटल कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल को जीरो जीरो फाइव एट फोर्टी फोर कैरी फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी ट्वेंटी एंड फोर ट्वेंटी फोर तो वो टोटल रुपीस कितना कमाता है ट्वेंटी फोर थाउजेंड वो टोटल रुपीस क्या करता है अर्न करता है इन सिक्स मंथ ओके तो ये यह बेटा आप अपनी फेयर नोट अपनी बुक के अंदर राइड करेंगे ओके थैंक यू